6 दिसंबर को लेकर बीजेपी के अध्यक्ष संजय केनेकर ने जो कल बयान दिया है, वो बयान की हम मजम्मत करते हैं, क्योंकि बीजेपी राम मंदिर को अपना पॉलिटिकल मुद्दा बनाकर चल रही है, उनको आस्था से कोई लेना देना नहीं है। संजय केनेकर ने अपने बयान में कहा है कि मुस्लिम संगठनाओं ने आघाड़ी सरकार के राज में रोडों पे उतर के नमाज पढ़ी, प्रदर्शन किए, इसके अंदर उन्होंने SDPI का नाम लिए बगैर SDPI पर निशाना साधा है। तो हम संजय केनेकर को ये बताना चाहते हैं कि SDPI ने सिर्फ औरंगाबाद में नहीं बल्कि पूरे भारत में, खास तौर पे राजधानी दिल्ली में, जहां पर पंत प्रधान मोदी और गृह मंत्री अमित शाह बैठे हैं, वहां पर भी हमने सड़कों पे उतर के एहतजाज किया और घोषणाबाजी की। ये हमारा डेमोक्रेटिक राइट है। दूसरी बात ये है कि बीजेपी को कभी भी आवाम की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं रहा है। आपको मालूम होगा कि देश में कड़क लॉकडाउन होते हुए भी बीजेपी ने सड़कों पे उतर कर एहतजाज किए और घोषणाबाजी की। हाल ही में पिछले 2 महीने से महाराष्ट्र के अंदर ST की जो कामगार संगठना है, अपने फायदे के लिए बीजेपी ने इनको स्ट्राइक करा कर रखा है, जिसके वजह से आम जनता की समस्याएं बढ़ती जा रही है और परेशानियां बढ़ती जा रही है। बीजेपी की जो जहरीली सियासत है, हम इस जहरीली सियासत को चलने नहीं देंगे। संजय केनेकर ने अपने बयान के अंदर जो मुस्लिम संगठनाओं को टारगेट किया है, अल्पसंख्यक और मुस्लिम समाज को जो टारगेट किया है, तो हम संजय केनेकर को और भाजपा सरकार को ये कहना चाहते हैं कि अपने जहरीली सियासत बंद करें, अल्पसंख्यक और मुस्लिम संगठनाओं को, मुसलमानों को टारगेट करना बंद करें, वरना SDPI लोकशाही मार्ग से इनकी जो जहरीली साजिश है उसका पर्दाफाश करके रहेंगे।